नमस्ते दोस्तों, संतुलन किचन में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में घी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। ये जो घी है इसे हम आयुर्वेदिक घी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने की जो विधि है वो बहुत अलग होती है, जो बाज़ार के घी से पूर्णतया अलग होती है। अभी देखिए, घी जो है उसको बहुत बुरा नाम बोला जाता है, बहुत से लोग उससे बचे हुए रहते हैं, पर याद रखिए कि अगर ये आयुर्वेदिक तरीके से बनाया हुआ है तो ये घी आपके शरीर में बहुत ही मदद कर सकता है। आपके शरीर की हर धातु, हर टिश्यू, इसको बनाने में घी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो अगर आप घर बना रहे हैं और सोचें कि सीमेंट बुरा है तो मैं सीमेंट नहीं यूज़ करूँगा और केवल एक के ऊपर एक ईंट रख कर ही घर बना दूँगा तो चलने वाला है क्या? वो घर बहुत जल्दी ढह जाएगा। वैसे ही अगर ये जो घी है, जो परफेक्ट लिपिड है हमारे शरीर में पूरी सेल वॉल बनाने के लिए, वो अगर शरीर में नहीं दिया गया तो ये फैट नहीं जाएगा, तो नई चीज़ें तैयार ही नहीं हो पाएंगी। अगर आप सोचें कि मेरी स्किन अच्छी बने, मेरी आँखें अच्छी रहें, मेरी हड्डियाँ ढंग से बने, मेरी मसल स्ट्रांग हो, तो इस सब में घी जैसा जो परफेक्ट फैट है वो जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस घी से दूर ना रहें, उल्टे आज मैं आपको संतुलन किचन में इसकी पूरी रेसिपी समझाऊंगी। वैसे ही घी बनाकर आपके घर पर रोज़ ज़रूर खाइएगा। आयुर्वेदिक घी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ऑर्गेनिक काउज मिल्क, मतलब हमें नेचुरल मिल्क चाहिए जो बिना किसी प्रोसेस के वैसा ही रखा गया हो। अभी इस तरह का जो दूध है वो अभी मैं गर्म करने के लिए रखूँगी। ये गर्म दूध जो होना है वो केवल गर्म नहीं, उल्टे उसको उफान आना चाहिए। मतलब दूध जब परफेक्ट उबल जाता है तभी वो दूध पचने के लिए भी हल्का होता है। और उससे हम अचीव क्या करने वाले हैं, उसमें जो प्रोटीन और फैट का मिक्सचर है दूध में, वो फैट हम उससे अलग कर लेने वाले हैं मलाई के तौर पे। तो देखिए पहली स्टेप में हमने क्या किया, दूध में से पूरा फैट अलग कर लिया। अभी ये दूध उबल गया है, इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और इसके ऊपर धीरे धीरे मलाई जम जाएगी। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह कम से कम 3 से 4 दिन की मलाई हम इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। इसमें कभी भी मलाई कम नहीं पड़ती है। तो अभी हमने 4 दिन की मलाई नियरली इकट्ठा करके और फिर हम इसमें दही का जामन लगाएंगे। अभी दही का जामन लगाते हुए भी ये याद रखें कि हमें दही जो है वो ट्रेडिशनल लेना है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एनिमल ओरिजिन के बैक्टीरियाज होते हैं और उसी प्रकार से हमें इस दही को जमाना है। अभी दही को जमाने के पहले हम ये पूरी जो मलाई है इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुनकुना दूध। और 2 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। अभी ये दही का जामन तैयार है और अब हम इसे एक गर्म जगह पर रख देंगे जहाँ पे बहुत ठंडक ना हो, ताकि ये दही जो है 8 से 10 घंटे में अच्छे से जम जाएगा। अभी देखिए हमारा ये दही जम गया है। हमने जो बैक्टीरियाज इसके अंदर डाले थे दही के तौर पे, उन्होंने क्या किया, जो फैट मॉलिक्यूल्स हमने मलाई के तौर पे जमा किए थे उन मलाई के फैट मॉलिक्यूल्स को उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके वो हमारे शरीर में पचने के लिए और आसान हो जाते हैं। अभी ये जो दही जम गया है हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह के रवि या मथनी बोला जाता है वो, या आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हम इसे एक जैसा कर लेंगे पूरा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी हम इसमें ऐड करते करते ये जो मथनी है इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, तो धीरे 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 आप देखेंगे इसमें मक्खन जो है एक साथ आना शुरू हो जाता है। अभी देखिए नियरली 15 से 20 मिनट से मैं इसे चला रही हूँ और मक्खन जो है वो छाछ से अलग हो गया है। तो अभी ये मक्खन मुझे हाथ से निकालना भी इजी है, तो पहले मैं ये मक्खन जो है छाछ से अलग कर लूँगी। अभी देखिए ये मक्खन मैं निकाल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है मत्ते वक्त कि जल्दी मक्खन नहीं निकल रहा है तो आप थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी उसमें डाल सकते हैं, तो उससे मक्खन जल्दी इकट्ठा होने में मदद मिलती है। अभी ये जो मक्खन है इसको हम धो लेंगे ताकि इसके अंदर होने वाला थोड़ा भी जो बटर मिल्क है या दही का अंश है वो निकल जाएगा और केवल प्योर मक्खन हमारे पास रह जाएगा।
अभी देखिए, अभी ये पानी नियरली साफ़ है और हमारा मक्खन भी देखिए एकदम सॉफ्ट और अच्छा तैयार हो गया है। अभी ये मक्खन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किशन कन्हैया इस मक्खन के पीछे क्यों पड़ा करते थे। अभी ये मक्खन गर्म करके घी बनाने के लिए हम लोग इस तरह का पीतल का बिना कले का बर्तन लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपके घर पे इस तरह का बर्तन नहीं हो तो आप एकदम हेवी बॉटम का कोई भी स्टील का पॉट लेके उसमें भी मक्खन गर्म कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ये मक्खन निकाल लूँगी। और इस तरह का कोई चम्मच भी जो है वो हम इसके साथ ही बर्तन में रहने देंगे ताकि ये जले नहीं। अभी देखिए ये घी उबलकर तैयार हो गया है, तो देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी इसमें से जो सफ़ेद झाग थी वो पूरी तरीके से निकल गई है और अभी हम देख सकते हैं कि इसके बेस में थोड़ा सा ब्राउनिश पार्ट जमा हो गया है। वो ब्राउनिश पार्ट जो है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए अब हम इस घी को छान लेंगे। घी तैयार हो गया है कि नहीं ये देखने के एक और प्रोसेस है, उसमें आप थोड़ा सा अगर पानी गर्म घी की सरफेस पर डालेंगे तो वो आवाज़ के साथ एकदम भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि अभी जब ये केवल फैट रह गया है तो नेचुरली इसके अंदर पानी जो है वो मिक्स नहीं हो सकता है। अभी ये जो घी है ये मैं छानूंगी, इसके लिए या तो आप एकदम महीन छलनी ले सकते हैं या पतला मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमने कहा सफ़ेद दूध से शुरुआत की थी और ये किस तरह का गोल्डन लिक्विड हमारे पास आ गया है। तो ये हमें दर्शाता है कि जो भी फैट हमने यूज़ किया था उसको हमने किस तरह से चेंज कर सके हैं। तो ये देखिए हमारा गोल्डन नेक्टर जो है अभी तैयार है। ये जब घी ठंडा होकर तैयार हो जाता है तो रवेदार हो जाता है। इसको हमें फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो अच्छा घी है वो बाहर ही अच्छे से रह सकता है, स्पॉइल नहीं होता है। जब हमें ये घी निकालना है तो याद रखिए कि चम्मच हमेशा साफ़ और ड्राई ही होना चाहिए, गीला चम्मच इसके अंदर मत डालिएगा। और जब भी चम्मच घी के अंदर डालेंगे तो बीच में कहीं नहीं डालना है। घी जितना भी लगने वाला है उतना केवल आप साइड से जितना लगेगा उतना आप निकाल सकते हैं, बीच का बिल्कुल जो ग्रैन्यूल्स है उसको ब्रेक नहीं करना है। घी जब एक बार तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसे वापस गर्म नहीं करना है, आँच पर नहीं चढ़ाना है, तवे पर रख के उसको पतला नहीं करना है। घी को अगर पतला करना होगा तो घी का जो बर्तन है उसको गर्म पानी में रखिए। तो जिस तरह ऐसा बर्तन होगा तो इसमें गर्म पानी रख के इसमें घी का बर्तन अगर आप रख देंगे तो घी पतला हो जाएगा और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आयुर्वेद में बताई हुई शास्त्रोक्त पद्धति से घर पे घी बनाइए, उसे ज़रूर खाइए और स्वस्थ रहिए।